बधाई। आज जो ओपन टॉक का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, सबसे पहले सभी को बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ओपन टॉक जो विदेशों में ये चर्चा में था, विदेशों में लोग इसको करते थे, वहाँ का मीडिया पब्लिक की समस्या सुनने के लिए पब्लिक के बीच में आता है, लेकिन इंडिया का मीडिया कभी नहीं आया। सोशल मीडिया ने ये पहल की है, हम सोशल मीडिया का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोग्राम 26 नवंबर को डेडिकेट किया गया है, 26 नवंबर के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम देश और दुनिया के कोने कोने में संविधान को समर्पित किए जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली की धरती पर जो भी प्रोग्राम 26 नवंबर के लिए विभिन्न विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 25 तारीख को इंडिया गेट के ऊपर सुबह मॉर्निंग के अंदर एक रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद दिन में मंजू की ललकार का अम्बेडकर भवन पर एक कार्यक्रम है, आंध्र प्रदेश भवन में भी एक कार्यक्रम है, शाम तक भी जगह जगह बाल भवन में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। 26 की सुबह भी एक रन है, वो भी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे इंडिया गेट पे हो रहा है, 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है, और दोपहर बाद जो है एक जो है, जैसा कि पिछले बार हम लोग इकट्ठा हुए थे, पिछली बार 26 नवंबर को सब लोग हम लोग इंडिया गेट आए थे और इंडिया गेट पर हमने 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, शाम का प्रोग्राम हम इंडिया गेट पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरा समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से निवेदन ये है कि 25 के जो भी प्रोग्राम हैं उनमें सब लोग शिरकत करें, 26 के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें सब में शिरकत करें, और ये मानकर चलें कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। ऑर्गेनाइजर कोई भी हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज के सभी लोग हर प्रोग्राम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अपनी शक्ति का, अपनी एकता का परिचय दें और हर प्रोग्राम को इतना सफल कर दें, इतना सफल कर दें कि आज जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, जो SC ST समाज आज देश में अलग थलग पड़ गया है, आज SC ST समाज की कोई बात इस देश में नहीं हो रही है, सरकार SC ST मामलात में पूरी तरह उदासीन हो गई है। संविधान दिवस को सरकार को मनाना चाहिए था, सरकार ने एक साल मनाने के बाद में पिछले साल इसको नहीं मनाया है, जबकि उसकी पहली जिम्मेदारी बनती थी। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का लाभ उठा रहा है और संविधान दिवस की जिम्मेदारी मनाने की शायद ऐसा लगता है इस देश के SC ST OBC यानी बहुजन समाज के हिस्से में ही आती है। तो आज हम ये आह्वान करेंगे भारत के हर नागरिक से कि आप भारत के संविधान का सभी लोग फायदा ले रहे हैं। भारत का संविधान सिर्फ देश के SC ST समाज के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर व्यक्ति के लिए संविधान बना हुआ है। और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं देश के कोने कोने में, सभी देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है वो आए और अपनी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करे, संविधान दिवस को अपना डेडिकेशन दे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें बाबा साहब के प्रति, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाया है। मैं एक बार पुनः बहुजन मीडिया का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुजन मीडिया अपनी जिम्मेदारी को 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन इस देश की धरती पर हुआ और उससे एक नया इतिहास भारत के सम्मुख खड़ा हुआ और भारत की सरकार को एट्रोसिटी एक्ट को अमेंड करने के लिए झुकना पड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज जो सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है इसको कोने कोने तक एक एक आदमी तक पहुँचाने का आप काम करेंगे और 26 नवंबर के जो भी कार्यक्रम हमारे समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा देश के कोने कोने में आयोजित किए जा रहे हैं उनको सफल बनाने में सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इनको सफल बनाकर एक नया इतिहास बनाएगा। जय भीम नव बुद्धाय।